सो गाइस, आप लोग भी कुछ टाइप से हाई क्वालिटी फेस स्मूथ फोटो एडिट करना चाहते हो तो आप लोग इस रिक्वेस्ट एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। एंड गाइस, यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले तुरंत नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। इस तो चलिए गाइस, बिना देर को हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल से गाइस, आप लोग ओरिजिनल पिक को लेकर सिंपल से शेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, आप लोगों ने अपने फोटो को कुछ इस टाइप से शेयर कर लीजिएगा पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाने के बाद ना आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आ जाइएगा टूल्स वाले ऑप्शन पे एंड एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। एंड गाइस, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। एंड गाइस, थोड़ा सा कंट्रास्ट को इंक्रीज करके। एंड गाइस, आप लोग शैडो वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड कुछ इस टाइप से शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। एंड गाइस, हाईलाइट वाले ऑप्शन पे आके एंड कुछ इस टाइप से हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करके सिंपल से आप लोग राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग फिर से टूल्स वाले रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग ना सिंपल से स्मूथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, टूल्स वाले ऑप्शन पे आके एंड कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग ब्लू कलर को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करके एंड गाइस आप लोग कर्व लाइन को नीचे को ओर कर लीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके इसको भी कर्व लाइन को आप लोग नीचे को ओर करके सिंपल से इरेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहां से इन्वर्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, इन्वर्ट करने के बाद सिंपल से आप लोग रिस्टोर्ट वाले ऑप्शन पे आके एंड गाइस कुछ इस टाइप से हाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा एंड साइज को माइनस कर लीजिएगा। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग अपने सल्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा एंड गाइस हम लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो सिंपल से गाइस, इतना हो जाने के बाद एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड गाइस आप लोग अपने चश्मे के ऊपर गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी एडजस्ट कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल से गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार राइट वाले ऑप्शन पर ना क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस, सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, अगेन राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, यहाँ से ना सिंपल से ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस आप लोग इस वाले ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा एंड यहाँ से इन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस, रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आके एंड कुछ इस टाइप से आप लोग ना कुछ इस टाइप से आप लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कर लीजिएगा। तो गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने बैकग्राउंड को ब्लैक कर लीजिएगा। एंड गाइस, हम लोग भी कर ले रहे हैं। तो गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से इस वाले ब्लैक इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस, सिंपल से कुछ इस टाइप से हम लोग भी अच्छे तरीके से ऐड कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस, सिंपल से इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, सिंपल से एक बार राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड गाइस, अगेन राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्टिकर वाले ऑप्शन पे आके एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपल से यहाँ से लाइट पीएनजी को कुछ इस टाइप से सर्च कर लीजिएगा। तो सिंपल से गाइस, यहाँ से लाइट पीएनजी को हम लोग सर्च कर ले रहे हैं एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना सर्च करने के बाद सिंपल से आप लोग इस वाले पीएनजी को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी इस ब्लू पीएनजी को ऐड कर लेते हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ऐड कर लीजिएगा। एंड गाइस, यहां से ना ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड इसको स्क्रीन करके एंड कुछ इस टाइप से आप लोग जूम आउट कर लीजिएगा एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों का जहाँ पर अच्छा लगेगा वहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस, हम लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल से यहाँ से इतना हो जाने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस फोटो को आप लोग सेव करके एंड गाइस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग ना कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोटो को शेयर कर लीजिएगा। तो गाइस, स्केचबुक में आप लोग फोटो को शेयर कर लीजिएगा। तो सिंपल से स्केचबुक में आ जाने के बाद आप लोग लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस, यहाँ से ना आप लोग यहाँ से सिंपल से आप लोग स्मार्ट वाले ब्रश को सेलेक्ट करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग साइज को रख लीजिएगा। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से आप लोग थोड़ा सा
फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी स्मूथ अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से एंड हल्के हाथों से आप लोग अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा तभी आप लोग का जो फेस होगा कुछ इस टाइप से स्मूथ होगा गाइस। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी स्मूथ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग फेस स्मूथ कर ले रहे हैं एंड फेस स्मूथ करने में गाइस थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग एंड गाइस सिंपल से आप लोग अच्छे तरीके से फेस को अपने अकॉर्डिंग स्मूथ कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से हम लोग इतना स्मूथ कर लेने के बाद ना सिंपल से यहाँ से क्या कर लेंगे, सिंपल से एक लेयर वाले ऑप्शन पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड हम लोग एक लेयर को क्रिएट करके एंड सिंपल से सॉफ्ट लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड गाइस कलर वाले ऑप्शन पे आके वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड हम लोग ना मीडियम ब्रश को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल से गाइस मीडियम ब्रश को सेलेक्ट करके एंड साइज को थोड़ा सा गाइस हम लोग प्लस कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप से एंड गाइस यहाँ से ना हम लोग बैक आ जाएंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से इस वाले व्हाइट इफेक्ट को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग अच्छे तरीके से कुछ इस टाइप से हम लोग इस वाले व्हाइट इफेक्ट को ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, सिंपल से यहाँ से गाइस आप लोग सिंपल से क्या कीजिएगा, इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से आप लोग यहाँ से एक बार गाइस शेयर वाले ऑप्शन पे गाइस एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड अदर पे क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग फोटो कुछ इस टाइप से शेयर कर लीजिएगा। तो शेयर कीजिएगा स्नैपसीड ऐप में, तो सिंपल से स्नैपसीड ऐप में आ जाने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस सेलेक्टिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों का जहाँ पे गाइस थोड़ा सा ब्लैक होगा वहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोगों का जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक होगा वहाँ वहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी इंक्रीज कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो सिंपल से इतना हो जाने के बाद ना आप लोग सिंपल से आप लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करके यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस बिफोर एंड आफ्टर लोग तो देख ही सकते हो। तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड गाइस फोटो को हम लोग सेव कर देंगे। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।